बिहार की जनता जनार्दन का चुनाव के प्रति जो भाव है, लोकतंत्र के प्रति जो भाव है, वो अभिनंदनीय है। और इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर बिहार की जनता का अभिनंदन कर रहा हूं कि इन्होंने कोरोना जैसी महामारी का पस्त करते हुए अपने उत्साह और उमंग का जो परिचय दिया है वो सचमुच अभिनंदनीय है। मेरी आप सबसे अपील है, कभी कोरोना की बीमारी समाप्त नहीं हुई है। हमने कोरोना की बीमारी पर कुछ हद तक नियंत्रण किया है, और भाइयों बहनों, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती है या जब तक वैक्सीन आपके जेब में नहीं आ जाता है, तब तक हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की दो बातों को ध्यान में रखना होगा कि बीमारी के प्रति कभी भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। बीमारी को कम करके नहीं आंकना चाहिए, और बचाव ही वर्तमान में सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए दो गज की दूरी और मास्क जरूरी होना चाहिए। मैं कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, तो भाइयों बहनों, लॉकडाउन के दौरान मैंने इस बात को देखा, बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश और बिहार के कामगार श्रमिकों को, नौजवानों को अपना रोजी रोजगार छोड़ करके अपने गांव घर के लिए वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उस दौरान भले ही महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल के नौजवानों की उपेक्षा हुई हो, लेकिन जैसे वे उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचे, पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पवन पाव वहां पर उन सबके सहयोग के लिए, उनके स्वागत के लिए और उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए वहां पे तत्पर खड़ा था। लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों, तो मैंने कहा था, देखिए, वैश्विक महामारी, ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। और फिर अगर बिहार के लोग उत्तर प्रदेश से होकर के जाएंगे तो ये तो हमारा दायित्व तो बनता है। वैसे भी मां सीता के मायके का होने के नाते बिहार के नागरिकों का, वहां के नौजवानों का स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को कोई समस्या नहीं हुई, हमने होने भी नहीं दी। सबके रहने की, सबके खाने की, सबके घर तक पहुंचाने की कुशलता पूर्वक व्यवस्था करने का कार्य किया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने लॉकडाउन प्रारंभ होते ही गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था, गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था, गरीबों के खाते में पैसे देने की व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ किया। ये तकनीक का भी और शासन की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी परिचय देने वाला फैसला था। 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज, भाइयों बहनों, आज तक कभी नहीं इतना बड़ा पैकेज मिला जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता के हित में कदम उठाए थे। हर एक नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए, हर एक के स्वावलंबन के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए गए थे वे अभिनंदनीय कदम है। और आज उसी का परिणाम है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोरोना परास्त हो रहा है, पुष्ट हो रहा है और भारत विजयी हो मुद्रा में आगे बढ़ते हुए जा रहा है।
जैसे बिहार के इन नौजवानों के उमंग ने, उत्साह ने कोरोना को पस्त किया है, भाइयों बहनों ऐसे ही जातिवादी और वंशवादी ताकतों को बिहार के अंदर फिर से पस्त किए जाने की आवश्यकता है। और उन्हें पस्त करने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। हम सब जानते हैं आज से 15 वर्ष पहले बिहार के सामने अपनी पहचान को छुपाने की एक मजबूरी आ गई थी, पहचान का एक संकट खड़ा कर दिया था कुछ लोगों ने। कौन वे लोग थे? ये लोग वही थे जो आज फिर से रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। याद करिए 15 वर्ष पहले इनके जंगल राज को, जब इन्होंने जाति के नाम पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और परिवारवाद के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर के बिहार में जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी थी और बिहार के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान को छुपाने की एक मजबूरी सामने आ चुकी थी। भाइयों बहनों, पिछले 15 वर्षों के दौरान श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की जिस यात्रा को बिहार ने तय किया है, यही एक समृद्ध और खुशहाल बिहार का मार्ग प्रशस्त करता है। और इसी खुशहाल और समृद्ध बिहार के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज विशेष रूप से मुझे आपके बीच में यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भाइयों बहनों, बिहार अपनी युवाओं की ऊर्जा के लिए जाना जाता है। बिहार यहां के नौजवानों की प्रतिभा को दुनिया मानती है। यहां के नौजवानों की ऊर्जा और यहां के नौजवानों की पूरी प्रतिभा आज दुनिया उसका लोहा मानती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जातिवादी और परिवारवादी ताकतों ने बिहार की इस पहचान को, बिहार के युवाओं की इस ऊर्जा को, इस प्रतिभा को पूरी तरह कुंद करने का कार्य किया। लेकिन आज एक बार जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, आज आपके सामने कांग्रेस और राजद के लोग तमाम प्रकार की ताकतों के साथ जो समाज के विरोधी हैं, जिनके द्वारा हिंसा और हिंसा के अलावा कोई दूसरा उनके सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं, उन लोगों के साथ गठजोड़ करके जैसे फिर से यहां की विकास को बंधक बनाना चाहते हैं, उसी पर आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपने 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चयन किया और जब मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश की राजनीति की धुरी को बदलने का कार्य किया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के रूप में देश की राजनीति की धुरी को बदलने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उस कारण ये पोस्टर उठा दो भैया, आपने देखा होगा 6 वर्ष पहले आपने देखा होगा 2004 से 2014 तक इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार कार्य कर रही थी, तब राजद भी उनके साथ में था, एक कम्युनिस्ट भी उस समय इनके साथ में थे और तब इन्होंने नित्य नए घोटाले इनके सामने आते थे, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कहीं पर कोई अन्य घोटाला, और ये घोटालों पे घोटाले नए करते करते इन्होंने देश के सामने विश्वसनीयता का एक संकट खड़ा किया। ये वही लोग हैं, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे वह राजद हो, इनमें केवल इनके लिए परिवार ही देश है, परिवार के बाहर नहीं सोच सकते और एक परिवार को लूट खसोट करने की खुली छूट मिले इसके लिए इन्होंने पार्टियां गठित की हुई है। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो नारा लगाते थे
और जिस देश को कहते थे किस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार, किसी मजहब विशेष के बारे में कहते थे किस देश के संसाधनों पर इनका अधिकार है, कहां ले गए थे देश को। और आज तो जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए तो मोदी जी ने पहली बात कही थी देश के संसाधनों पर इस देश के गरीबों का अधिकार है, इस देश के गांव का अधिकार है, नौजवानों का अधिकार है, किसानों का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है और इन सब के उत्थान के लिए हम कार्य करेंगे। एक एक के लिए कार्य योजना उन्होंने बनानी प्रारंभ की। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आप याद करिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों के दौरान 3 करोड़ गरीबों का एक एक आवास बना है, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। भाइयों बहनों, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय मिला है, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का लाभ मिला है और 35 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खोला गया और 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कोई गरीब न उसके न उनकी जाति है, न मत है, न मजहब है, न क्षेत्र है, न भाषा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक ही कहा, हम सहयोग करेंगे सबका, कल्याण करेंगे सबका, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर, सबका साथ सबका विकास का भाव देश के अंदर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए करेंगे। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण के इसी कार्यक्रम को जनता ने 2019 में मोहर लगाई। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की जनता ने उन्हें जो समर्थन दिया था, मोदी जी ने एक बात कही और उन्होंने कहा था कि पहले 5 वर्ष गरीबों के उत्थान के लिए, अगले 5 वर्ष देश के उत्थान के लिए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कदम उन्होंने उठाने प्रारंभ किए, पहला कदम था याद करिए 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करना, ये 3 तलाक की कुप्रथा ये केवल नारी गरिमा के ही प्रतिकूल नहीं था बल्कि आधी आबादी को अपमानित करने की कुछ सी चेष्टा भी थी। और भाइयों बहनों, 3 तलाक की कुप्रथा को, सदियों की इस कुप्रथा को मजबूती के साथ रोकने का कार्य किसी ने क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दूसरा कदम उन्होंने उठाया, भाइयों बहनों, आज से पहले आपने देखा होगा, इससे पहले 1952 से लेकर के 2019 तक कांग्रेस सरकार के समय में कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्था कर दी थी कश्मीर में, कश्मीर के बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने आपको छोड़ दे दी है, अगर बिहार का नौजवान कश्मीर के अंदर भी आवास बनाना चाहेगा आप जाइए और भारत के एक नागरिक के रूप में कश्मीर में जमीन लेकर के अपना मकान बना सकते हैं। कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी 1952 से नारा लगाती थी एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे के नारे लगते थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को किसी ने साकार किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, कश्मीर से धारा 370 को इसी
अनेक क्रम में समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये जो कांग्रेस और राजद के लोग आज भाकपा माले और नक्सलवादियों के साथ गठबंधन करके बिहार में फिर से जंगल राज जो स्थापित करना चाहते हैं, वे कान खोल करके सुन लें। कश्मीर के आतंकवाद के बाद अब नक्सलवाद को भी देश की धरती से पूरी तरह उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। अब भारत की धरती पर नक्सलवाद के लिए भी कोई जगह नहीं रहेगी। भाइयों बहनों, नक्सलवाद को समाप्त करने के बाद देश के अंदर लगातार एक मांग उठती थी और वह मांग उठती थी, मुझे लगता है मैं जब पिछली बार लोकसभा चुनाव में आया था बिहार में, और लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं कहीं भी जाता था, महाराजगंज में भी आया था, और तब मुझे पता गया कि नौजवान बोलते थे, यहाँ के पत्रकार मित्र बोलते थे, इनके द्वारा एक ही बात कही जाती थी कि योगी जी आप पिछली बार आए थे, आपने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे। भाइयों बहनों, मैं सही बता रहा हूं, मेरी हार्दिक इच्छा थी जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शिलान्यास होना था, उस समय जब मैं इस कार्यक्रम के दिशा से योजना बना रहा था, लेकिन हमारी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में, मेरी हार्दिक इच्छा थी इस कार्यक्रम में बिहार के हर गांव से यहां के नागरिकों को विशेष रूप से आमंत्रण देने का, क्योंकि मैं मानता हूं माता सीता के बगैर राम अधूरे माने जाते हैं। हम जब भी बोलते हैं जय सीताराम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, श्री का मतलब माता सीता से ही है, और इसीलिए भाइयों बहनों, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में अब देरी न हो, कोरोना संक्रमण को भी रोकना था, लेकिन राम मंदिर के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना था, इसलिए हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करके 500 वर्षों से जो मांग थी, जो टीस थी, उसको पूरा करते हुए, दौड़ करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो मैं यहां पर अपने जितने हमारे साथी हैं, करणजीत सिंह जी से, जनार्दन सिंह जी से, अपने यहां पर धूमल सिंह जी से, इन सभी से मैं कहूंगा कि तब बिहार के हर गांव की उपस्थिति अयोध्या में उस अवसर पर होनी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए गौरव का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के अनुसार ही, उनकी यश और कीर्ति के अनुरूप ही अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, और मेरी आप सबसे अपील होगी कि हमें इस यश और कीर्ति को देश और दुनिया के कोने कोने में लेके जाना है। इस दृष्टि से हमें दुनिया के अंदर भारत की यश और कीर्ति को पहुंचाना है, तो मर्यादा श्री राम का आदर्श चरित्र हम सबके सामने है, और आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम प्रदान करें। भाइयों बहनों, ये जो जातिवादी ताकतें जो राम मंदिर के मार्ग में बाधक थी, कश्मीर में आतंकवाद और देश के अंदर नक्सलवाद को समाप्त करने में बाधक थी, नौजवानों के नौकरी और रोजगार में बाधक थे, इन सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का अवसर है बिहार विधानसभा का चुनाव।
और बिहार विधानसभा चुनाव के माध्यम से मेरी आप सबसे अपील होगी, कल 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, 54% लोगों ने कल मतदान में भाग लिया। भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अपील है, द्वितीय चरण का चुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है और हमारा प्रयास होना चाहिए द्वितीय चरण में हम मतदान के प्रतिशत को 70% तक पहुंचाने का कार्य करें। ये सब नौजवानों की ऊर्जा ये कर सकती है, आप कर सकते हैं। आप अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे, भाइयों बहनों में विश्वास के साथ कह सकता हूं, भाजपा और जदयू के ही प्रत्याशी जीतेंगे अगर 70% मतदान हो गया तो। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा हूं और इतनी भारी संख्या में लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और इसमें भी 90 से 95% तो युवा है। ये युवाओं की ऊर्जा, जिस देश के अंदर और जिस प्रदेश के अंदर इस प्रकार की युवा ऊर्जा हो वो पीछे रह नहीं सकता, हो तो आगे ही आगे जाना है। और बिहार नित्य निरंतर प्रगति के पथ पर जिस विश्वास के साथ बढ़ रहा है उस विश्वास के लिए आवश्यक है अच्छे प्रतिनिधियों को हम चुनाव जिता करके भेजें और अच्छी पार्टियों के हाथों में प्रदेश की बागडोर हम सौंपे। और इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी ने दरोदा विधानसभा क्षेत्र से श्री करणजीत सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और एकमा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती सीता देवी जी को जदयू ने यानी एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरा आप सबसे अपील होगा, एनडीए के प्रत्याशी जहां कहीं भी लड़ रहे हैं, भाजपा हो, जदयू हो और अन्य हमारे सहयोगी दल हैं, इन सभी के प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। इतनी भारी संख्या आपकी है, इतनी भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं, आपके पास स्मार्टफोन होगा, भाइयों बहनों अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए नातेदार, रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतकगण, इन सबको एसएमएस करके, फोन करके और आवश्यकता प्रति छोटी छोटी टोली बना करके घर घर जा करके कि विकास और सुशासन में बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी आवश्यक है।